आज यहाँ भारत के कोने कोने से, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आम आदमी पार्टी को बने हुए 5 साल पूरे हुए, इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, इस देश के सभी आम लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज ही के दिन 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ था। इस उपलक्ष्य पे मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत संविधान हमारे देश को दिया। आज के दिन कुछ वर्ष पहले मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में जितने लोग शहीद हुए, उन शहीदों को भी मैं सर झुका के नमन करता हूं। दोस्तों, आज रामलीला मैदान में आकर पुराने दिन याद आ गए। वही वाली स्टेज हुआ करती थी, अन्ना हजारे जी बैठा करते थे वहां पे, उनका अनशन चला करता था। इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़क पे थे। इस देश के लोग क्या मांग रहे थे? एक छोटी सी चीज मांग रहे थे। इस देश के लोग कह रहे थे एक कानून बना दो, जन लोकपाल बिल पास कर दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। बताओ क्या गलत कह रहे थे? हजारों हजारों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, सारी पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती की, सारे नेताओं से हाथ जोड़ के विनती की, उन्होंने संसद सत्र भी बुलाया, लेकिन इस देश के लोगों की बात नहीं मानी। मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का इन सारे नेताओं ने, इन सारी पार्टियों ने इस देश के आम आदमी का मजाक उड़ाया। बोले अगर हिम्मत है तो खुद ही चुनाव लड़ लो, खुद ही संसद में आ जाओ, खुद ही लोकपाल बिल पास कर दो। बहुत गिड़गिड़ाया ये आम आदमी, इस देश का आम आदमी बहुत गिड़गिड़ाया इन नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने कि जी मेरे को चुनाव नहीं लड़ना आता, चुनाव तो आपका काम है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है चुनाव लड़ने के, ये कानून बना दो हम अपने घर चले जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को सजा दे दो हम अपने घर चले जाएंगे। ये नेता नहीं माने। हार के, जैसे वो महाभारत में कहानी है कि सारे पांडव दुर्योधन के पास गए, बोले जी 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक के बराबर एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात। उसी तरह से इस देश के आम आदमी ने इन नेताओं से मांगा कि एक लोकपाल बिल बना दो, इन्होंने नहीं माना। हार के इस देश के लोग इकट्ठे हो गए, इस देश का आम आदमी इकट्ठा हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो आम आदमी ने इकट्ठे होके, इस देश के लोगों ने इकट्ठे होके एक अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। और जो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, जिनको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती थी, राजनीति लिखनी नहीं आती थी, ऐसे सारे थक्कड़ आदमी अरे गहरे सारे इकट्ठे हो लिए, जैसे वो शिव जी की बरात होती है उसमें सारे इकट्ठे हो लिए और एक आम आदमी पार्टी बन गई।
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, आम आदमी चुनाव लड़ा और इस देश के आम आदमियों ने सारी पार्टियों को हरा दिया, सारे नेताओं को हरा दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। पहले ही चुनाव में आम आदमी की सरकार बन गई, 49 दिन की सरकार। और क्या जलवा था उस सरकार का, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सारा देश याद करता है उस 49 दिन की सरकार को। 49 दिन की सरकार को याद करके कहते हैं जी भ्रष्टाचार खत्म हो गया था 49 दिन में। दिल्ली से खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था? भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, आम आदमी ने करके दिखा दिया। जो 70 साल में नेता नहीं कर पाए, 70 साल में पार्टियां नहीं कर पाई, छोटे से आम आदमी ने करके दिखा दिया, 49 दिन में करके दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लोग बताते हैं ट्रैफिक पे पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, किसी भी दफ्तर में जाते थे पैसे लेने बंद कर दिए, यू मिनटों में काम करते थे, यू मिनटों में। और इस देश का जो सबसे ताकतवर आदमी है, इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, इस देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, जिसका नाम लेने में बड़े बड़े नेताओं की जीभ लड़खड़ाती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया आम आदमी ने। छोटी बात नहीं थी भाई। और जैसे ही एफआईआर करी, इनके नॉर्थ ब्लॉक की दीवारें कांपने लगी, साउथ ब्लॉक की दीवारें कांपने लगी, राष्ट्रपति भवन की, संसद की दीवारें कांपने लगी। क्या हो गया, ये क्या हो गया? जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, 49 दिन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे ही इस्तीफा दिया, मेरे को कई लोगों ने आके बताया, रेड़ी पटरी वालों ने, बोले जी वो आए, फिर बोले वो 49 दिन के भी पैसे दो, बुलाओ अपने केजरीवाल को। 49 दिन के भी पैसे ले लिए, तब जनता ने कसम खाई कि आम आदमी को वापस लेके आएंगे और इस बार तो पूरा बहुमत देंगे, ऐसा बहुमत देंगे कि सारों का सफाया कर लेंगे। दोबारा चुनाव हुए, 70 में से 67 सीट आई। अब ये घबरा गई, सारी पार्टियां घबरा गई। इन्होंने सोचा अगर ये आम आदमी खड़ा हो गया इस देश का, अगर ये आम आदमी, ये फक्कड़ आदमी अगर इस देश का खड़ा हो गया, तो ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इनकी सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मन बनाया, इनको कुचलो, खत्म कर दो, इनको नेस्त नाबूद कर दो इनको। इन्होंने सारी एजेंसियां छोड़ दी, इन्होंने इनकम टैक्स वाले पीछे छोड़ दी, हमारे पीछे, हमारे जितने डोनर्स की लिस्ट है वेबसाइट पे, एक 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 डोनर के ऊपर इन्होंने जा जाके इनकम टैक्स की रेड मारी। मेरे ऊपर 33 मुकदमे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे 8 मुकदमे चल रहे हैं, सतेंद्र जैन पे 8 मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 20 विधायकों को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, हमारा हौसला नहीं तोड़ पाए। लेकिन सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, इनकम टैक्स छोड़ दिया, ईडी छोड़ दिया, पुलिस वाले छोड़ दिए, सीबीआई छोड़ दी, मेरे घर पे छापा, मेरे ऑफिस में छापा मारा, मनीष के घर पे 7 घंटे तक इसकी इंटरोगेशन हुई है, मनीष सिसोदिया की। बताओ सबसे बड़ा चोर इनको मनीष सिसोदिया ही नजर आता है पूरे देश। सब कुछ इन्होंने करा, फिर जब नई बात बनी तो इन्होंने हमारी पावर छीननी चालू कर दी, हमारे से एसीबी छीन ली, एंटी करप्शन ब्रांच जिसको इस्तेमाल करके हमने वो जलवा करा था, एंटी करप्शन ब्रांच जिसके जरिए हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा करते थे, एक दिन केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। मुझे लगता है भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार ने अपनी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ भेज के किसी राज्य सरकार की किसी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करा हुआ। ऐसे है जैसे इन्होंने कोई भारत और पाकिस्तान कर दिया है। इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया, हमारी सारी पावर छीन ली। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक चपरासी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता। सारी पावर छीन ली हम लोगों की। लेकिन फिर भी दोस्तों,
पिछले 3 साल के अंदर जो आपकी सरकार ने आम आदमी ने करके दिखा दिया, मैं चैलेंज कर सकता हूं 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना काम नहीं करके दिखाया। पिछले 3 साल की सरकार दिल्ली में, जब पिछले 3 साल में सरकार चली है, यह किसी क्रांति से कम नहीं है। क्रांतिकारी काम हुए जी पिछले 3 साल में, ईमानदारी के साथ जो 3 साल में काम हुए हैं। दिल्ली में आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। दिल्ली के लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है। दिल्ली के घर घर के अंदर हमने पानी पहुंचाया, 309 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी। दिल्ली के अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिल रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में फ्री टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया। आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह दुगनी कर दी। मिनिमम वेज में 40% बढ़ोतरी कर दी। गेस्ट टीचरों की तनख्वाह दुगनी कर दी। पेंशन बढ़ा के 2500 रुपए महीना कर दी। इतने काम कर दिए। मैं सोच रहा था अगर दिल्ली में बिजली इतनी सस्ती हो सकती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती, राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती, कर्नाटका में क्यों नहीं हो सकती, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकती। अगर दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा पेंशन मिल सकती है, दिल्ली में पानी मुफ्त हो सकता है, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, बाकी राज्यों में नेताओं की और पार्टियों की सरकार है। आम आदमी की तकलीफ समझता है जी। आम आदमी को पता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 1280 रुपए। अहमदाबाद में, गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2800 रुपए। बंबई में अगर आप बिजली 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। एक आम आदमी समझता है कि 2800 रुपए और 1280 रुपए में कितना फर्क है। अगर ये 1500 रुपए बच जाए तो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, बाकी राज्यों में पार्टियों की और नेताओं की सरकार है। ये सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों। कहां से आ रहा है ये पैसा हमारे पास? हमारे से पहले कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी की सरकारें थी। जब भी उनके पास जाते थे कहते थे पैसा नहीं है। आज दिल्ली की सरकार, आम आदमी की सरकार, सारे काम कर रही है, इतने काम कर रही है, कहां से पैसा आ रहा है? ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। और जितने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, एक एक बच्चे को कहना चाहता हूं मैं, ये जिस पैसे से तुम लोग पढ़ रहे हो, ये देश का पैसा है। देश तुमको पढ़ा रहा है। बड़े होके कभी भी कुछ भी कर लेना, देश को मत भूल जाना तुम लोग। जितने लोगों को फ्री दवाइयां मिल रही हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं ये देश का पैसा है। जितने लोगों को फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयां मिल रही हैं, कुछ भी हो जाए देश को मत भूल जाना, देश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है दोस्तों। आम आदमी ने आने के बाद राजनीति के पैमाने बदल दिए। जैसा भी कई सारे लोगों ने बताया, रेड लाइट, सारी सरकारी गाड़ियों से रेड लाइट हटा दी। पहले दिल्ली में हटी, फिर उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ, फिर पंजाब में ऐलान हुआ, और फिर भारत सरकार ने भी शायद ऐलान कर रहा है कि सारी गाड़ियों से। मैं बार बार कहता था हम राजनीति करने नहीं आए, हम नेपोलियन नहीं है कि हर राज्य जीतना हमारा मकसद है। हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं। अगर हमसे सीख के या हमारे दबाव में दूसरी पार्टी अपनी राजनीति बदलना चालू कर दे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा काम आम आदमी की सरकार ने यह किया कि एक विश्वास पैदा किया आम आदमी के अंदर कि एक आम आदमी, छोटा आदमी, फक्कड़ आदमी, वो भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। पहले किसी भी घर में चर्चा होती थी, कहते थे राजनीति और चुनाव तो गुंडों का काम है। अब ये राजनीति में आना भी पवित्र काम हो गया, समाज सेवा का काम हो गया।
ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, कम पैसों में लड़के दिखाए और चुनाव जीत के दिखाए, और 3 साल तक दिल्ली के अंदर ईमानदारी से दिल्ली की सरकार चला के दिखाइए दोस्तों। आज देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, चारों तरफ देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये सोच रहा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दो। अगर हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के नाम पे बट गया, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। जो लोग इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं वो ISI के एजेंट हैं, वो राष्ट्रभक्त के चोले के अंदर देशद्रोही हैं। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। जो सपने पाकिस्तान देख रहा है, जो काम ISI 70 साल में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल के अंदर करके दिखा दिया दोस्तों। 3 साल मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब भी कभी ऐसा मौका आए कि पार्टी के और देश के हितों के बीच में विरोधाभास हो, अगर पार्टी के हित और देश के हित आपस में टकराते हो, पार्टी को भूल जाना, देश के लिए काम करना दोस्तों। पार्टी जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। आज सुबह से बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस कई पार्टियों के लोगों के आम लोगों के खूब बधाई संदेश आ रहे हैं। पूरे देश का आम आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके मन के अंदर दिल्ली की आम आदमी की जो सरकार है उसने जो काम किए हैं उसके लिए श्रद्धा है, उसके लिए उसके मन में बहुत रेस्पेक्ट है। सब लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी की सरकार ने जो करके दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं किया। सब लोग सोचने पे मजबूर हैं, बीजेपी वाले भी सोचने पे मजबूर हैं, कांग्रेस वाले भी सोचने पे मजबूर हैं, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों धीरे 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 इस देश के 120 करोड़ लोग ये सारे मिलके आम आदमी पार्टी बनाएंगे दोस्तों। 120 करोड़ लोग एक दिन इच्छा आएंगे। आप लोग 16 अगस्त 2011 को रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, हम लोग इकट्ठे हुए थे यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आम आदमी की ताकत थी, आप लोगों की ताकत थी कि 2014 के अंदर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उसका फायदा क्या हुआ। आज भी बीजेपी की सरकार है, ये भी उतने ही घोटाले कर रही है, राफेल डील स्कैम, बिड़ला डायरी, पनामा पेपर, सहारा डायरी, व्यापम स्कैम, लिस्ट लगी हुई है सारे स्कैमों की दोस्तों। बीजेपी जितनी कांग्रेस भ्रष्ट थी उसकी बाप निकली बीजेपी, और इनके टाइम में तो दोस्तों जज भी सुरक्षित नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सुनने को मिला कि जज लोया जो कि अमित शाह का मुकदमा देख रहे थे, उनको ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर मारा गया, वो ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर मिले मरे हुए कि एक शक होता है कि उनको मारा गया था, उनका कत्ल किया गया था कि वो खुद मरे थे। मुझे लगता है जैसे आप लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था,
इस देश के आम आदमी ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था, ऐसे ही समय आ गया जब इस देश के आम आदमी को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनाव हैं। कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनाव हैं। पूरे देश की टकटकी लगी हुई है गुजरात के चुनावों पे। सारा देश दुखी है। जीएसटी ने, नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है। सारे लोग गुजरात की तरफ देख रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी हारे, किसी तरह से बीजेपी हारे, किसी तरह से बीजेपी हारे। मैं आज इस मंच से गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सारे देश की तरफ देखना। आप सारे देश की आवाज, सारे देश की तमन्ना पूरी कर सकते हो। जिस दिन वोट डालने जाओ, ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना, ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहां पे बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। कहीं पे आम आदमी पार्टी जीत रही हो तो आम आदमी पार्टी को दे देना, कोई और पार्टी जीत रही हो उसको दे देना, लेकिन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2011 में हम सब लोग यहां पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज भी भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ। आज हम सब लोग यहां से प्रण लेके वापस जाएंगे। जब तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक एक एक बच्चा इस देश का पढ़ लिख नहीं जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक एक एक गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक इस देश में किसान आत्महत्या करनी बंद नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक व्यापारी और उद्योगपति ईमानदारी से, सुख चैन से व्यापार नहीं कर सकते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक महिलाएं और लड़कियां बेखौफ, बिना डर के सड़कों पे घूम नहीं सकती, अपने घर से नहीं निकल सकती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे सैनिकों को बिना पानी वाली दाल के लिए लड़ना पड़ेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जब तक पाकिस्तान के गलत कारनामों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है दोस्तों। भारत माता की जय।